नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें 16 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी अर्थात जब तक मकर संक्रांति का पर्व नहीं आता है तब तक खर मास बोलते हैं इसको। और खर मास में पौष का महीना होता है, धनु की संक्रांति होती है। तो धनु की संक्रांति में हम कोई भी शुभ कार्य इत्यादि नहीं करते हैं। तो इस महीने में हमको भगवान विष्णु की पूजा और किस देवता की कैसे पूजा करनी है इस विषय पे चर्चा करते हैं। खर मास 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व तक रहता है। तो आज हम इसी विषय पे आपसे चर्चा करें। खर मास के दिनों में प्रातः काल सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लाल फूल डाल करके उसमें अर्घ भगवान सूर्य को देना चाहिए। इससे शीघ्र ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जातक सारे रोग एवं दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि खर मास में गैया मैया की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौग्रास से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण भक्तों को अपना अभय प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जातक को भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान दान पुण्य भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खर मास में आप शुद्ध मन से जरूरतमंदों को, जिनको जरूरत है उनको आप कम्बल का भी दान कर सकते हैं और ये बेहद पुण्य माना जाता है। ऐसा करने से कभी भी किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने का विचार बनता है, आपने नया घर बनाया है, गृह प्रवेश कराने का मन बन रहा है वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक आचार्यों के द्वारा, तो आप हमसे संपर्क करिएगा। काल सर्प दोष है आपके यहाँ पर किसी बालक को, तो आप बात करिएगा। गंडमूल की पूजा कराना चाहते हैं तो आप बात करिएगा। या किसी भी तरह की राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर आप सुंदरकांड संगीत में पाठ कराना चाहते हैं तो भी आप हमारे संस्थान में संपर्क करिएगा। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की प्रयास करता हुआ आप सभी को जय श्री सीताराम। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।